अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फिदा मोल और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिट कॉइन के हवाले से कि हमने उस पर कैसे ट्रेड करनी है, उस पर कैसे बाय सेल करके जो है वो अपने प्रॉफिट जनरेट करना है। तो तीन चीज़ें शेयर करूंगा, फिर उसके बाद स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने $2 या $3 से ज़्यादा, पहली बात है कि उससे ज़्यादा डॉलर नहीं लगाने हैं, समझ रहे हैं? $2 या $3 से ज़्यादा आपने नहीं लगाने, क्योंकि हर बंदा $2-3 लगा ला। अगर आप उससे ज़्यादा लगाओगे तो आपको लॉस हो सकते हैं, ठीक है? और कोशिश ये करनी है कि जो पैटर्न बताया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। मैं वीडियो में भी मेंशन करके बता दूंगा कि आपने कैसे करना है। तो जो चीज़ें जिस पैटर्न के साथ बताई जाएँ आपने एज इट इज़ ऐसे करनी है, अदरवाइज़ आपका जो कॉइन है वो सेल नहीं हो पाएगा। तो आपको डेफिनेटली जो आपकी फ़ी वगैरह होगी जो आपने लगाया वो आपको लॉस हो जाएगा। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने बाइनांस में, वहाँ से आपने BNB जो है उनको कन्वर्ट करना है USDT से BNB। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो मेरे पास BNB अगर यहाँ पे हैं $8 के, 0.16 ये इनकी जो है USDT 8.53 बन रही है। तो मैंने थोड़े ज़्यादा करने हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कन्वर्ट कैसे करना है। आपने जाना है होम पे और मोर पे क्लिक करना है। मोर पे जाने के बाद आपने आ जाना है ट्रेड, ये जो थर्ड ऑप्शन है और इसमें फर्स्ट नंबर पे कन्वर्ट लिखा हुआ है, कन्वर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आपने अमाउंट लिख देनी है जितनी आपने कन्वर्ट करनी है। मिसाल के तौर पर 50 करके और इसका प्रीवियस कन्वर्जन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये विद इन सेकेंड जो है वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं बैक होम में जाके देखता हूँ, वहाँ पे मेरे पास 8 थे तो अभी मेरे पास 58 BNB जो है वो आ चुके हैं डॉलर्स BNB के। अब इनको मैंने विड्रॉ करना है ट्रस्ट वॉलेट में, वो मैं कैसे करता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपल विड्रॉ में जाना है। विड्रॉ में जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है करेंसी BNB की और देन आपने मूव कर जाना है ट्रस्ट वॉलेट में। फर्स्ट पे जो स्मार्ट चेन जिसका आइकन BNB का बना हुआ वो आपने क्लिक करना है, जिस पे BNB लिखा हुआ नीचे वो नहीं बल्कि जिसका आइकन बना हुआ है उस पे जाना है और उसका रिसीव एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उसी पेज पे चले जाना है बाइनांस के ऊपर और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने अमाउंट जो है वो मिनिमम यहाँ पे 0.01 जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल अमाउंट है जो उसको मैं विड्रॉ कर देता हूँ, जो मैक्सिमम पे मैं क्लिक करके इसको जो है ना वो कर देता हूँ 0.1 जो मेरे पास बन रही है। सही, इसको मैं विड्रॉल पे क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अभी मेरे पास जो कोड आएगा वेरिफिकेशन कोड वो सेम पे और जीमेल पे दोनों पे आएगा, सबको पता है उसके बारे में, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं हम। उस पर क्लिक करके मैं जो कोड आता है उसको लगा के फिर आगे प्रोसेसिंग में चला जाता है। मैं कोड वगैरह जो है उनको सेंड कर देता हूँ कोड, और मेरे पास जैसे आते मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, 1-2 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और मेरे पास जो BNB है वो यहाँ से विड्रॉ होकर ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो BNB है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रस्ट वॉलेट में मेरे पास, मैं इसको देखता हूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट आ ही चुके होंगे। तो मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मेरे पास BNB ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे $106 के मेरे पास मौजूद हैं। अब वर्क कैसे करना है बाय सेल का वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो जो DApp है इस पर क्लिक करना और ऊपर स्टार्ट में आपने लिखना है PooCoin। जिस तरह का आइकन आ जाएगा जो सामने इंटरफेस पे नज़र आ रहा है, इस तरह का आइकन आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास इंटरफेस आएगा तो आपने जो कनेक्ट का ऑप्शन है ना ऊपर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट इस पर क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाएगा। सेकंड काम, आपने जो एड्रेस आपको गिवन दिया जाएगा उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे यानी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको दिया जाएगा वो आपको चैनल पे मिलेगा, आपने उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। कभी कभार फेक भी होता है, फेक कौन सा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जहाँ पे ट्रेड पे उस पर क्लिक ही नहीं होगा, ट्रेड के आइकन पे क्लिक नहीं होगा। अभी मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पुराना पड़ोस जो लास्ट टाइम आया था, मैं उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली और गो पे क्लिक कर देता हूँ। आप गो ना भी करो, इंस्टेंट आप क्लिक करते हो तो वो चला जाता है।
ये जो नीचे ऑप्शन बने हुए हैं तीन, एक थोड़ा सा सिग्नल टाइप है और उसके बाद ट्रेड वाले, जो फेक सिग्नल होता है उस पर ये जो ट्रेड आइकन है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये क्लिक नहीं होगा, तो जो सिग्नल एक्यूरेट होता है उस पर ये इजीली ट्रेड पे हम क्लिक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपने सीखनी है मेन। अब ये आपने बहुत जल्दी करना होता है ये काम, ठीक है, विद इन सेकेंड्स करना होते हैं। यहाँ पे आपने स्लिपेज रखनी है, आपने या तो ऑटो रखनी है जो मैं डिजिट बता रहा हूँ, या 30 रखनी है या 49। अगर आपका स्वैप नहीं हो रहा, अभी देखिए स्वैप मेरे पास थोड़ा सा हाइड हुआ है तो मैं ऑटो स्लिपेज पे करता हूँ, या मैं कोई वैल्यू लिखूंगा तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। अब BNB आपने 0.05 ही रखने हैं, यानी ये आपके पास 2.4 या 2.5 डॉलर बांध रहे हैं, तो ये आपके पास थोड़ा ग्रीन हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, तो उसको मैंने स्वैप कर देना है। स्वैप हो जाने के बाद आपने ऊपर जो आइकन है इसको क्लिक कर देना, ये ब्लू हो गया, यानी अमाउंट ऊपर नीचे चली गई है, तो जो कॉइन आएगा आपने उसको मैक्सिमम कर देना है। मैक्सिमम करने के बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है BNB के, आप इसमें BNB भी कर सकते हो, आप इसमें USDT भी कर सकते हो, तो बेस्ट ये कि USDT में आप करो। टोटल अमाउंट करके आपने दोबारा से स्वैप कर लेना है जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये काम बहुत जल्दी आपने करना होता है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें डिले करोगे तो आपका कॉइन सेल नहीं होगा, बल्कि वो जो आपको 2-4 आपने डॉलर लगाए थे वो इसी तरह स्टक होकर रह जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव वीडियो इसकी बनाने की कोशिश करूं, बहरहाल ये थोड़ी सिखाने के लिए मैंने इस पर काम वगैरह किया था। तो ये सारा प्रोसेस है, सेल करते हुए भी आपने एहतियात करना है। स्लिपेज अगर 0.5 पे नहीं हो रही या ऑटो पे नहीं हो रही तो आपने 30 रखना है या 49 रखना है, फिर इसको आपने सेल कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपका जो है वो इसी तरह स्टक हो जाएगा। तो ये इसमें प्रॉफिट तो आता ही आता है, लेकिन सीखना और इंस्टेंट काम आपने इस पर करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।